सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था, और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी ब्रजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मैंने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, जो कि सरासर झूठ है। और उसी आरोपी पक्ष की आईटी सेल 3-4 दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल कर रही है, ये बताते हुए कि वह वीडियो अंशु मलिक की है, जो कि गलत है। उस वीडियो का अंशु मलिक से कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो में जो लड़की है वो हिमाचल की रहने वाली है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो न्याय के लिए शुरू की थी, और आरोपी के पक्ष के लोग चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था, और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी ब्रजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मैंने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, जो कि सरासर झूठ है। और उसी आरोपी पक्ष की आईटी सेल 3-4 दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल कर रही है, ये बताते हुए कि वह वीडियो अंशु मलिक की है, जो कि गलत है। उस वीडियो का अंशु मलिक से कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो में जो लड़की है वो हिमाचल की रहने वाली है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो न्याय के लिए शुरू की थी, और आरोपी के पक्ष के लोग चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। सभी देशवासियों को नमस्कार। हमने जो आंदोलन शुरू किया था वो बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था, और जब से ये आंदोलन शुरू किया है, जब से आरोपी ब्रजभूषण के पक्ष के लोग लगातार किसान बिरादरी और हरियाणा की बेटियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी एक अफवाह उड़ाई जा रही थी कि मैंने आरोपी के साथ समझौता कर लिया है, जो कि सरासर झूठ है। और उसी आरोपी पक्ष की आईटी सेल 3-4 दिनों से एक अश्लील वीडियो वायरल कर रही है, ये बताते हुए कि वह वीडियो अंशु मलिक की है, जो कि गलत है। उस वीडियो का अंशु मलिक से कोई लेना देना नहीं है। उस वीडियो में जो लड़की है वो हिमाचल की रहने वाली है। हमने जो लड़ाई शुरू की थी वो न्याय के लिए शुरू की थी, और आरोपी के पक्ष के लोग चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लें, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।